कहना है, बड़ी प्यारी लाइन है लला। अरे चमार शेरुआ के नोई काफी है जो लगे को के छानी चमार। सोने के सिक्के चलाए थे, तो हमारा समाज वैसे भी पावरफुल रहा है और भविष्य में भी रहेगा। भीमराबू के हम हैं नाती, भैया भीमराबू के हम हैं नाती, रखते हम डंडा लाठी, क्योंकि वकील साहब जब हमारे भगवान बुद्ध के पास में कोई शस्त्र नहीं थे तो हमको भी कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने पूरे विश्व को अपनी मीठी रसीली बाणी से सभी को मोह लिया। और यहाँ पर ऐसे खोखार कुख्यात डाकू अंगुली माल जैसे व्यक्ति को भगवान बुद्ध ने अपने चरणों में झुका लिया सिर्फ अपनी बाणी के वजह से। नारकते हम डंडा लाठी, छाती है पीतल से भरी तेरी छाती, ऐसा दुनिया में कोई विद्वान होना मुश्किल है, क्योंकि उनके ज्ञान का लोहा पूरा विश्व मान रहा है इसीलिए। और लोगों ने धुतकार दिया, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया, उन्हीं के कलम की दम पर, कलम की नोक पर पूरा भारत देश चल रहा है बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से। अंकुल कुमार लखा बोर्ड की तरफ से 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। बाबा भीमराव जी ज्ञानी, उनके ज्ञान को दुनिया जानी,
हाथ उठाए बताओ, सभी लोग जानते हैं। हाँ पहचानो जानो तभी तो अच्छा है। बाबा गुरु रविदास जी के बारे में कहना है, गुरु रविदास की महिमा छाई, गुरु रविदास की महिमा छाई, गवाह मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। काशी नगरी के अंदर अच्छे अच्छे पंडा पुजारियों के मान मारने का काम किया है महाप्रभु संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने। मारे मान ब्राह्मण लोगन के झोलने कोटी के साथी, चमार होने का गर्व है। और हम ये कहते हैं हम ही चमार नहीं, चमार पूरा संसार है। चा से चमड़ी, मां से मांस और रा से रक्त, ये तीनों चीजें जिसके अंदर होगी नहीं वो संसार में जीवित नहीं रह सकता है। इसीलिए चमार पूरा संसार है। चमार चमार से बोलिए भगवान।